ओ हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉक गेमर्स। सो गाइस, अभी के टाइम पे हमारे जितने भी भाई हैं जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं टर्निंग ऐप से, जबकि वो अगर अपने टर्निंग ऐप में लाइव स्ट्रीम करने के लिए जा रहे हैं तो गाइस उनको कुछ ऐसा लोडिंग टाइप का देखने के लिए मिल रहा है जो उनका टर्निंग ऐप है ना वो ओपन ही नहीं हो रहा है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे, मैं भी आप लोगों के सामने अपना टर्निंग ऐप को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट लेकिन गाइस ये टर्निंग ऐप ओपन नहीं हो रहा है। एंड गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इसको ओपन कैसे कर सकते हो, और एक और चीज़ बताऊँगा जो कि लास्ट में क्या गाइस आपका चैनल इससे हैक हो सकता है, आपके चैनल को प्रॉब्लम हो सकती है, टर्निंग ऐप क्रैश हो चुका है। तो इसलिए बता रहा हूँ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि गाइस आपका चैनल हैक हो सकता है, आपको यहाँ से अपना एक्सेस हटाना पड़ेगा। अगर आपको एक्सेस हटाना नहीं आता तो मैं बताऊँगा, बट गाइस उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा। देखो भाई, यार तुम्हारा भाई सबसे पहले लीक एंड अपडेट्स जो भी होता है, तो गाइस ये जो वीडियो है अभी यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बनाया, तो गाइस मैं सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये ऐप क्रैश हो चुका है पूरी तरीके से, इस पर लाइव स्ट्रीम अभी नहीं चल रहा। तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये कोई और यूट्यूबर अभी बता ही नहीं रहा, किसी ने वीडियो बनाई नहीं है, तो ये सबसे पहला वीडियो तुम्हारे भाई का होने वाला है। तो वही सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं गया लाइव स्ट्रीम करने के लिए, देख सकते हो गाइस यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेटअप नाउ पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जैसे मैं सेटअप नाउ पे क्लिक भी कर रहा हूँ, बट लेकिन मेरा जो स्ट्रीम है वो अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हो गाइस मेरा जो स्ट्रीम है वो अभी भी नहीं चल रहा है, भाई पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि देखो स्ट्रीम नहीं चल रहा। तो गाइस अब मैं आपको एक रियलिटी अब बता दूँ ये प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे हमारे गेम में आया है। तो गाइस देखो हमारा जो मतलब गेम में नहीं सॉरी टर्निंग ऐप में, तो गाइस जो हमारा जो टर्निंग ऐप है ना वो हो चुका है पूरी तरीके से क्रैश, यानी कि कुछ भी हो चुका है। तो गाइस जो हमारा टर्निंग ऐप है ना, कुछ भाई को ऐसे भी नोटिस लिखकर आ गया होगा, जैसे मैं स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ ये नोटिस आ गया होगा। भाई देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो टर्निंग ऐप क्रैश हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन गाइस आप यहाँ से अपना एक्सेस वापस ले लो। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप टर्निंग ऐप से अभी लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे 2-4 दिन के लिए, क्योंकि टर्निंग ऐप क्रैश हो चुका है। जब भी सही हो जाएगा मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइस नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जब भी ऑन हो जाएगा टर्निंग ऐप। तो गाइस अभी बताता हूँ सबसे पहले एक्सेस क्या कर एक्सेस कैसे हटाना है, और उसके बाद आपको लाइव स्ट्रीम कैसे करनी है, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो जीमेल आईडी होता है उसके अंदर जाना है। तो गाइस जैसे मैं जाता हूँ अभी अपने प्ले स्टोर के अंदर, तो जैसे मैं प्ले स्टोर के अंदर आ जाता हूँ, तो गाइस आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। एंड प्ले स्टोर के अंदर आ जाने के बाद गाइस आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एंड प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो आपका जो गूगल अकाउंट्स है आपको यहाँ पे चले जाना है। एंड गूगल अकाउंट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे डाटा एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन है, आपको इसके अंदर जाना है। एंड गाइस यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ ना कुछ देखो आपको एक अच्छा चीज़ देखने के लिए मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। भाई इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेना मेरे भाई, देख लो समझ लो आपके चैनल की बात। भाई आपका चैनल कभी भी यूट्यूब से उड़ सकता है, आपका चैनल हैक हो सकता है, कोई और हैक कर सकता है, ठीक है गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पे आ जाना ऐप एंड सर्विस में। एंड आ जाने को जहाँ पे आपको दिखेगा देखो थर्ड पार्टी ऐप विथ अकाउंट एक्सेस, तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद जिसने जिस ऐप को भी आपने एक्सेस दिया होगा तो गाइस आपको यहाँ से एक्सेस हटा लेना है। देखो अभी मैंने टर्निंग को एक्सेस दिया है, और जिस टर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो गाइस आपको जो टर्निंग का एक्सेस होता है उसको हटा देना। जैसे गाइस मैं अभी टर्निंग का एक्सेस लिया है, मैंने टर्निंग को अपनी मतलब जो प्राइवेसी होती है मैंने उसको दिया है कि हाँ तू मेरी जीमेल आईडी के अंदर कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा डाटा लीक कर, इसलिए मैं गाइस इसका एक्सेस हटा देता हूँ। तो गाइस अब जो मेरा टर्निंग ऐप है वो मेरी ना तो किसी को मेरा डाटा शेयर कर सकता ना कुछ कर सकता। एंड गाइस अब जहाँ पे बात आती है कि भाई अब हम लाइव स्ट्रीम कैसे कर रहे हैं टर्निंग क्रैश हो गया, तो भाई मेरे देखो अगर आपका टर्निंग ऐप क्रैश हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप आज यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम कर लो, एक हर दिन यूट्यूब से कर लो, टर्निंग फिर से वापस आ जाएगा। एंड गाइस अगर आपको इससे भी करना नहीं आता तो गाइस आप स्टार कैप से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा स्टार कैप का, वो भी बहुत ही अच्छा ऐप है, आप उससे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। एंड गाइस मैं उसको एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वो भी बहुत अच्छा ऐप है, आप उससे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो गाइस मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जैसे ही आता है हमारे पास मतलब जैसे ही हमारा जो टर्निंग ऐप है वो सॉल्व हो जाता है उसका प्रॉब्लम, तो वो भी आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा।